हेलो एवरीवन, आई एम जसपाल सिंह वी आर लॉन्चिंग कंप्लीट कोर्स ऑन बी असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 2022। दिस वैकेंसी वाज रोल्ड आउट इन जनवरी एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू सर्विस कमीशन इज ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेब। ना इफ आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट वॉट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वॉट विल बी द नेचर ऑफ द पेपर पेपर का पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन कितने होंगे ड्यूरेशन क्या होगी दिस एग्जामिनेशन विल हैव टू पेपर्स इसके दो पेपर्स होंगे पेपर वन पेपर टू दोनों ही पेपर कंपल्सरी है बोध द पेपर्स आर कंपल्सरी दी फर्स्ट पेपर विल भी ऑफ जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव इन नेचर टोटल मार्क्स विल भी हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होंगे इसके अंदर और टू आर्स की ड्यूरेशन होगी जो पेपर टू है वो भी कंपल्सरी है इट इज़ टेक्निकल इन नेचर इसमें भी हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा टू आर्स ड्यूरेशन होगी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल भी वन ट्वेंटी फाइव And the technical syllabus will correspond to solid and liquid waste management. I'll discuss these syllabus also, but the point which is to be noted here is, here who all are eligible to apply for this post? So if you have bachelor's degree in chemistry, environmental science, bachelor of engineering in chemical, civil, environmental science, public health engineering, biotechnology, or planning and architecture. यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इसका मतलब इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने चाहिए तो अगर वेकेंसीज ज़्यादा हैं इसके अंदर टू एटी सिक्स पोस्ट है तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है बट वॉट आई फील बींग ए सिविल इंजीनियर यू पीपल हैव दी एज बिकॉज कुछ कुछ पोर्शन सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का हमारी सिविल इंजीनियरिंग से मैच करता है मोर ओवर दो एप्टीट्यूड है वो भी कंपेरेटिवली बेटर होता है तो आप लोगों के पास एज होगी uh, इस एग्जाम को निकालने की सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी टू हंड्रेड दोनों पेपर वन पेपर टू के मिला के टोटल मार्क्स टू हंड्रेड होंगे दी लेवल ऑफ द पेपर विल भी सच दैट विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट हुई इज हैविंग अ बी टेक डिग्री और बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग और इन प्लानिंग आर्किटेक्चर तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी का सलेबस होता है वही मैंशनड है इसके अंदर इफ आई फर्दर ट अबाउट माई सेल्फ अगर मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ आई एम जसपाल सिंह

वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे दैट इज ऑल्सो भी इंक्लूडेड हेर सो इफ आई गिव यू एन आइडिया अबाउट सलेबस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसको भी इन्होंने बाइफर्गेट कर रखा है अलग अलग यूनिट्स के अंदर सो वन ऑफ द यूनिट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो पहला यूनिट है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो फर्दर बाइफर्गेटेड इन फोर डिफरेंट यूनिट्स so in solid waste management he will uh, ask about different types of solid waste uh, municipal solid waste then industrial solid waste hazardous waste then biomedical waste or uh, electronic waste or construction and demolition waste so there are several types of waste plastic waste then uh, he'll be asking about evolution of the solid waste management uh, how it is evolved over a period of time uh, how it affects our life यह हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है देन वट द वेस्ट जनरेशन इन द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है किस तरह के वेस्ट की प्रपोशन बढ़ी है किस तरह के वेस्ट की प्रपोशन कम हुई है मटीरियल uh, का फ्लो कैसे होता है हाउ दिस वेस्ट इज जनरेटेड हाउ इट मूव्स इन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हाउ फाइनली इज बिंग डिस्पोज एंड ट्रीटेड डेवलपमेंट कैसे हुई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की uh, पहले के टाइम पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था सो so, इसका इम्पैक्ट था कि बहुत सारे पेंडेमिक इनकी वजह से भी हुए हैं इनफैक्ट जो अर्ली पेंडेमिक होते थे वो इस सॉलिड वेस्ट की वजह से ही हुए हैं सो uh, so, इसकी इंपॉर्टेंस टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई हाउ द प्लानिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज टू बी एनालाइज कैसे एनालाइज करें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को देन हाउ द ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम गोस तो ये सारी बातें यूनिट वन में वो आपसे पूछेगा देन यूनिट टू जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इट इज़ म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेटरस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेगा आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सॉलिड वेस्ट विच ही विल एक्सपेक्ट दैट आपको ये पता होनी चाहिए तो कॉम्पोजिशन uh, क्या होती है सॉलिड वेस्ट की कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं पार्टिकल साइज़ क्या है हीट वैल्यू क्या है देन बल्क एंड मटीरियल डेंसिटी क्या है uh, कैसे मटीरियल रिकवर होते हैं मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड वेस्ट की तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड वेस्ट दैट शुड भी नोन टू अस जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चाहिए देन इफ आई टॉक अबाउट यूनिट थ्री ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर यूनिट थ्री की बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आ, यहां पर वो हमसे एक्सपेक्ट करेगा वी शुड नो हाउ टू डील विद द कलेक्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट कैसे इसको कलेक्ट करते हैं रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम क्या होता है कमर्शियल uh, वेस्ट कैसे कलेक्ट किए जाते हैं ट्रांसफर स्टेशन क्या होते हैं देन हाउ टू कलेक्ट द रिसाइकलेबल मटीरियल देन लिटर्स जो होती है या जो स्ट्रीटिंग्स होती हैं इनको कैसे कलेक्ट किया जाता है हाउ द डिज़ाइनिंग ऑफ द कलेक्शन सिस्टम इज़ बीन कैरिड आउट तो ये सारी बातें होंगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट थ्री में और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैंने ये कोर्स पूरा कम्प्लीट करा दिया है सो आई हैव कम्प्लीटेड दिस कोर्स दिस कोर्स वॉज लॉन्च ऑन सेकेंड ऑफ एब Uh, तो टेक्निकल पोर्शन इसका कंप्लीट हो गया पूरा और जो नॉन टेक पोर्शन है वो भी ट्वेंटी एट फैब को लॉन्च होने वाला है दी नॉन टेक पोर्शन विल स्टार्टिंग ऑन ट्वेंटी एट ऑफ फेब सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए जो मेरे हिसाब से इंजीनियर्स को बहुत बेनिफिट uh, uh, देगी उनके लिए बेनिफिशियल होगा उनके लिए ये जॉब सिक्योर करना कंपेरेटिवली आसान होगा यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं वैकेंसीज आर कंपेरेटिवली मोर और सिर्फ दो टॉपिक करके एक टेक्निकल पोर्शन में एक ही टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिक्विड मैनेजमेंट और जनरल स्टडीज आपकी जो हर एग्जाम में होती है इसको ही बस क्रैक करके आपको ये आ, पोस्ट मिल जाएगी तो कंपेरेटिवली आसान रहेगा आपके लिए अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम बात करें यूनिट फोर की हेयर ही वॉन्ट्स यू टू नो अबाउट सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट डिस्पोजल Uh, कैसे ट्रीटमेंट होती है सॉलिड वेस्ट की बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हैं हाउ द एनर्जी इज बिंग डेवलप फ्राम इट थर्मल प्रोसेस क्या है वेस्ट uh, मैनेजमेंट कैसे होती है थ्रू थ्री आर कंसेप्ट थ्री आर कंसेप्ट एक्सटेंड हुआ फोर आर कंसेप्ट के अंदर रिड्यूस रिसाइकल री तो इसको एक्सटेंड करके फोर आर कंसेप्ट में डाला क्लासिफिकेशन क्या है अलग अलग मैथड्स की सो so, इसके पीछे की डिजाइन इंजीनियरिंग क्या है हाउ डिज़ाइन इंजीनियरिंग इज बिंग अप्लाइड फॉर सॉलिड वेस्ट प्रोसेस ट्रीटमेंट देन रोल क्या है सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग का सो देर आर सेवरल आस्पेक्ट इन दिस यूनिट ऑल्सो नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ये आपका पूरा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है दिस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इज योर कंप्लीट वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग विच यू हैव डन जो आप अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट या पी एस यूज या स्टेट सर्विस के करते हो तो ये तो आपके लिए वॉकिंग के एक होगा इसमें कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है थोड़े बहुत टॉपिक्स डिफरेंट है जो भी हमने कवर किए हुए हैं तो लिक्विड वेस्ट के अत्य टाइप के होते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट था जैसे वैसे ही लिक्विड वेस्ट है दैन डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट थी वैसे domestic waste Then, waste ही डोमेस्टिक वेस्ट है यहाँ पे देन इंडस्ट्रियल वेस्ट थी वहाँ पे यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है तो वो सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे थे यहाँ पे हम लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे हैं देन uh, जो सॉलिड वेस्ट है उससे कैसे डिफरेंट है लिक्विड वेस्ट दैट विल भी डेल्ट हेयर कैसे जनरेट होता है लिकुड वेस्ट हाउ दिस लिक्विड वेस्ट इज जनरेटेड सो दैट इज बिंग आज इन दिस पर्टिकुलर यूनिट इस यूनिट में ये सारी बातें पूछी हुई हैं नेक्स्ट जो यूनिट वन है ही आस्क अबाउट मास बैलेंस अप्रोच जो हम हाइड्रोलॉजी में भी करते हैं एनर्जी बजट इक्वेशन लगाते हैं सो एनर्जी बजट इक्वेशन अप्लाई होगी इसके अंदर सो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होती है तो सिंपल से टॉपिक है सारे कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसके अंदर देन इन यूनिट टू ही आस्क अबाउट वेरियस रिसोर्सेज तो वाटर का रिसोर्स क्या होता है सिग्निफिकेंस क्या होती है वाटर पॉल्यूशन क्या होता है सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है देन वेस्ट वाटर जो है उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं ब्लैक वेस्ट वाटर क्या होता है ग्रे वेस्ट वाटर क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या है कंटेमिनेशन लेवल कितना है सो ऑल दीज बेसिक पॉइंट्स आर बिंग आज इन लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट टू के अंदर इफ यू टॉक अबाउट यूनिट थ्री दिस इज और कम्पलीट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर सोनियर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आपने पूरा ट्रीटमेंट कर रखा है वेस्ट वाटर का प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट देन थर्ड डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट उसके अलग अलग यूनिट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कितने तरीक़ों से होती है तो ये तो एग्जैक्टली exactly आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है तो इसमें तो आपको एज मिल जाएगी क्योंकि जो बाकी बैचलर्स हैं उनके लिए नई चीज़ होगी दैट विल बी न्यू फॉर देम नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट यूनिट इन लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फिर टॉक्स अबाउट वाटर रिफ्यूज़ वाटर यूज़ कैसे किया जाता है रिक्लेमेशन कैसे होती है उसकी हाउ द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर इज बिंग डन तो पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंटल इशूज़ क्या है आज के टाइम पे एग्रीकल्चर और लैंडस्केप इरीगेशन में क्या फ़र्क होता है वाट द डिफरेंस देयर रिस्क असेसमेंट कैसे होती है वेस्ट वाटर की क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको कैसे रियूज़ किया जा सके सो ऑल दिस पॉइंट्स आर टॉक्ट अबाउट इन दिस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट नंबर फोर तो ये तो मेरे हिसाब से आपके आपके जोन की ही चीज़ है देन थर्ड यूनिट इज ऑफ हेजारस वेस्ट मैनेजमेंट इसमें जो पहला यूनिट है इसमें डेफिनेशन पूछी हुई है क्लासिफिकेशन पूछा हुआ हैजार्डस वेस्ट का वट दी नीड फॉर दी हेजारडस वेस्ट मैनेजमेंट क्या ज़रूरत है इसकी सोर्स क्या होता है इसका अफेक्ट क्या होता है कम्युनिटी के ऊपर हाउड डिज बिंग क्लासीफाइड कैसे क्लासीफाई किया जाता है हेजारस वेस्ट को स्टोर कैसे करते हैं कलेक्शन कैसे होती है प्रॉब्लम क्या होती है कलेक्शन के अंदर कैसे हम इन्वायरमेंट और पब्लिक को सेफ कर सकते हैं हेजारस वेस्ट से सो ऑल दिस पॉइंट्स आर बी टॉक् अबाउट इन दिस पर्टिकुलर डिकल केमिकल वेस्ट विच आर बायोमेडिकल वेस्ट टाइप्स इनके टाइप्स के बारे में बात कर रखी है तो बायो मेडिकल केमिकल वेस्ट और उनके टाइप्स क्या हैं सो ही विल एक्सपेक्ट अबाउट इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है हैंडलिंग कैसे होती है हाउ टू कंट्रोल बायो मेडिकल वेस्ट केमिकल वेस्ट की हैंडलिंग कैसे होती है सोर्सेस क्या है इनके इनका एन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है सो ऑल दीज पॉइंट्स आर बिंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट सो वॉट इज नीड टू कंट्रोल दिस बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी डिस्पोजल कैसे होगी इनके फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल uh, जो प्रोसेस हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया हुआ है सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट जो मैच करते हैं पीछे वे यूनिट से तो ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर भी नेक्स्ट हजारत वेस्ट मैनेजमेंट का अगर यूनिट थ्री देखें ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं केमिकल प्रेसिपिटेशन सॉलिडिफिकेशन पर परेशन ओजोनाइजेशन एवेपोरेशन देन बायोलॉजिकल मैथड्स कौन से हैं फाइटो रेमिडिएशन क्या होती है बायोफिल्ट्रेशन क्या होता है सो ऑल दीज पॉइंट्स आर बिंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट सो अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू आई हैव कम्प्लीटेड दिस कोर्स ये कोर्स मैंने सेकंड फेब को लॉन्च किया था सेकंड फेब को लॉन्च किया था और कंप्लीट हो चुका है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट इसका पूरा इट इज़ ओपन फॉर ऑल दी प्लस एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी अनकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म हैं उन सबके लिए कोर्स ओपन है और बेनिफिट आपके लिए है कि अगर आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे हो ये कोर्स अवेलेबल तो है ही आपके पास पूरा नॉन टेक एंड टेक्निकल पोर्शन इन विच टेक्निकल पोर्शन इज स्टॉट बाय मी और नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो संघर्ष कर लेंगे अभी ट्वेंटी से इस कोर्स के अलावा आपको पूरे प्लस प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज है उन सबकी एक्सेस है और प्लस प्लेटफॉर्म गेट टी का है इट मीन्स फॉर थ्री मंथ्स इफ यू टेक दी सब्सक्रिप्शन उन तीन महीनों के लिए आपके पास सारे वीडियो लेक्चर्स हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड फॉर गेट एंड ई सी विच इज यूज जो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आज के टाइम पे आपको अवेलेबल होगा अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास गेट ई की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको पी वाई क्यूज मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए भी मोर देन टू फिफ्टी प्रॉब्लम्स विल भी गिविंग यू इनफैक्ट दे दिए मैंने प्रॉब्लम्स तो अवेलेबल है प्लस uh, स्टूडेंट्स के पास ही प्रॉब्लम्स और नॉन टेक्निकल में भी आपको अप्रॉक्सिमेटली इतनी प्रॉब्लम्स ही दी जाएंगी अप्रोक्सिमेटलीम नंबर ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल कि अगर तीन महीने का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये कोर्स तो मिलता ही है साथ में गेट ई का भी पूरा कंटेंट आपके लिए ओपन हो जाएगा एंड दैट दैट आल्सो फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उन सबसे आप गेट ई का कंटेंट भी एक्सेस कर सकते हैं सो व्हाट व्हाट एल्स यू विल विश टू डिड रीजन बीइंग यहां पे एक पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल नहीं होता यहां पे पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है सो डि एडवांटेजेस फॉर यू पीपल कि ऑल द कोर्सेज इंक्लूडिंग बीपीएससी गेट ईएससी कोर्सेज फॉर ऑल दी एजुकेटर्स आर ओपन फॉर यू पीपल अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज फॉर गेट ई एस सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर गेट ई एस सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर बी पी एस सी दैट विल ऑल्सो ओपन फॉर यू वो भी आपके लिए ओपन हो जाएगा सो आई थिंक इट इज ई विन विन सिचुएशन फॉर यू ऑल पीपल विन विन सिचुएशन है आपके सब लोगों के लिए इफ आई फर्दर कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जाऊँ उस चीज को अगला जो यूनिट है वो उसका है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लाइंस तो ये सारे हमारे कोर्स है देर आर सेवरल कोर्स इन इट वेस्ट मैनेजमेंट रूल के जो भी अमेंडमेंट है इसके अंदर मैंने वो भी करा रखी है ऑल द अमेंडमेंट्स आई हैव शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स एंड डिस्कस इन डिटेल जो फोर्थ यूनिट है हमारी इट वॉज ऑफ़ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड द लास्ट यूनिट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसमें ही विल एक्सपेक्ट कि जो साइट ऑथोराइजेशन है वो कैसे लिया जाता है कंसेंट कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है हाउ द कंसेंट टू ऑपरेट इज़ टू बी ऑप्टेन फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है टेक्निकल पोर्शन है बट ये रिलेटेड है किसके साथ बिहार के साथ तो इसमें इसमें जो कंटेंट uh, डिलीवरी है वो भी बिहार के रिस्पेक्ट में ही है ना इफ ए फर्दर टॉक अबाउट अगर मैं बात करूँ जनरल स्टडीज की वॉट ऑल टॉपिक्स विल भी कवर्ड विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू बिहार ओनली देन बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स बैंकिंग के नॉलेज देन स्पेशल एप्टीट्यूड दैन अर्थमेटिक एडिशनल नंबर सिस्टम टू कवर द इंटायर कंटेंट करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इम्पॉर्टेंस रिगार्डिंग टू बिहार देन विल टॉक अबाउट फाइटो रेमिडिएशन वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड और बायो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है दैन करंट अफेयर्यर्यर्यर्यर्यस एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू बिहार जो करंट अफेयर्स है और जो डेवलपमेंट है वो भी बिहार के रिस्पेक्ट में ही पूछी जाएंगी और बताई जाएंगी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ये जनरल स्टडीज का कोर्स ट्वेंटी फेब से स्टार्ट हो रहा है टेक्निकल uh, पोर्शन मैंने कवर करा दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डेट है कंप्लीटेड सो यू पीपल कैन गो फॉर थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन जो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए uh, अगर इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग देखूँ इट इज़ अराउंड थर्टीन थाउजेंड रुपीज पर इसमें आपको ये वाला कोर्स तो मिल ही रहा है इन दिस टेक्निकल इज टॉट बाय मी नॉन टेक्निकल विल बी टॉट बाय संगा सर अपार्ट फ्रॉम दिस यूल भी गेटिंग द एक्सेस टू गेट एंड ई एस सी पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन होगा उसमें मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर गेट एंड ई ए सी माई ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स करा रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग के तो आपको वो सब एक्सेस हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर गेट फॉर ई एस सी फॉर ऑल दी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन पी वाई क्यूज ऑल दिस ऑल्सो भी अवेलेबल फॉर यू सो इन दिस मच ऑफ द प्राइज द इंटायर बास्केट विल ओपन फॉर यू पूरी बास्केट आपके लिए ओपन हो जाएगी सो लर्नर्स जिन लोगों को भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है प्रिपेयर करना है टेक्निकल पोर्शन इज कवर्ड नॉन टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी एट फाइव को सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच एंड लेट्स क्रैक इट